क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ए 2x2 मैट्रिक्स बी सच दैट बी इंटू मैट्रिक्स 1-2, 1-4 इज इक्वल टू 6i2। ठीक है, तो आंसर है 23। तो देखिए मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स 1-2, 1-4 इज इक्वल टू कितना 6i2 है ना, ये चीज कह रहे हैं। चलिए आप मैट्रिक्स भी लिखिए, आप ऑर्डर 2x2 ना, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको लिखना है। तो 2x2 मैट्रिक्स की ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें लिख देते हैं ए बी सी डी, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई ना, 1-2, 1-4। इसमें ए बी सी डी आपके क्या है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है। I2 क्या है, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर की यूनिटरी मैट्रिक्स लिखी है ना। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा, ए इंटू 1 और प्लस 1 इंटू बी इंटू 1, फिर ए ए इंटू -2 प्लस बी इंटू 4 है ना, तो मिलेगा सी इंटू 1 और प्लस बी इंटू डी इंटू 4 डी इंटू है ना, फिर ये हो जाएगा आपका सी इंटू -2 प्लस डी इंटू 4 है ना, इज इक्वल टू आप इसको मल्टीप्लाई करिए 6006 ना। आगे आप अभी तो आपके पास 4 अननोन आपने माना, 4 आर्बिट्री कांस्टेंट माना है, तो टू फाइंड 4 अननोन वी नीड 4 इक्वेशन है, सिंप्लीफाइड नहीं, 2 अब 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तब पहले वाले थोड़ा जाएगा। तो देखिए इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं ना, यहाँ से आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम करिए आपको 4 इक्वेशन मिल जाएगा। अब इन 4 इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए आपको 4 अननोन की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपका सी प्लस 4d हो गया और -2c प्लस 4d हो गया, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू आपके 6 है 0 है 0 है 6 है ना। तो जैसे इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गया, ए प्लस बी इक्वल 6 हो गया ना, और सी प्लस 4d इक्वल 0 और -2a + 4b इक्वल 0, -2c + 4d इक्वल 6। अब ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी प्लस 6 है क्वेश्चन नंबर 1, अब इसको दो से डिवाइड कर लीजिए तो -a + 2b इसको 0 है क्वेश्चन नंबर 2, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा और प्लस 3 भी यहाँ से बी को क्या हो जाएगा 6 है 6/3 हो जाएगा, तो बी वैल्यू आ गई, बी वैल्यू आ गई। ठीक है, बी वैल्यू आ गई, अब क्या करना है बताइए, अब जो है बी की वैल्यू रख देते हैं कि क्वेश्चन में सी की वैल्यू आ जाती है, चलिए रखिए। तो पुटिंग वैल्यू आप बी इन पुटिंग वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ बी वैल्यू ऑफ बी इन 1 में रख देते हैं, तो ए प्लस बी कितना बताओ, ए प्लस बी आपका 6 है, ए प्लस 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से ए छूट हो जाएगा आपको, इस स्टेप से ए और बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सी डी वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन बचे हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, तो एक इक्वेशन आपका सी प्लस 4d, एक इक्वेशन क्या है आपके पास सी प्लस 4d इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन आपके पास है -2c + 4d इज इक्वल टू 6 है, तो -c + 2d इसको 3 है, अभी दोनों को जोड़ लेते हैं ना, जोड़ेगा तो ये जगह c + 4d 0 और -c + 2d 3, तो जगह 0 + 6d इसको 3, यहाँ से डी इसको क्या मिलेगा 3/6, तो डी इसको 1/2 डी को लगे, अब डी की वैल्यू इसमें रख दीजिए सी आ जाएगा, तो सी इसको 2 -2d
सिक्स और टू माइनस फोर इंटू हाफ है तो सिक्स और टू माइनस टू होंगे, डी फोर टू वन बाई टू होंगे, ए बी सी डी डिस्टेंस है, ए बी सी डी वैल्यू आ गई है, ठीक है। आप ए बी सी डी वैल्यू रख दीजिए, मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको, ए बी सी डी वैल्यू रख देते हैं, वी गेट मैट्रिक्स, तो चलिए रख दीजिए वैल्यू मैट्रिक्स, सेकेंड एलिमेंट मैट्रिक्स बी के मान कितना हो जाएगा, बी आपका ए, बी वैल्यू कितना है, बी वैल्यू आपने ए बी माना है, ए वैल्यू रखिए फोर है, बी वैल्यू रख दीजिए, बी वैल्यू क्या टू है, टू रख दीजिए, सी वैल्यू माइनस टू है और डी वैल्यू हाफ है ना, ये आपको हो गया, ठीक है। देखिए ऐसे सी आंसर, फोर टू माइनस टू हाफ ये आंसर है, फोर टू माइनस वन, माइनस वन की माइनस टू, माइनस वन थ्री वन, माइनस वन व्हाट हैपन, माइनस वन कैसे मुझे चेक करना पड़ेगा मुझे, चलिए ठीक हो गया, ये फोर नहीं है, ठीक है तो फिर आपको सिक्स थर्टी जीरो है और माइनस टू सिक्स थर्टी इतना हो गया तो माइनस सिक्स थर्टी टू भी क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, अभी जो नंबर लेते हैं तो सिक्स थर्टी जीरो हो गया, माइनस सिक्स प्लस टू डी थ्री हो गया, तो जीरो प्लस थ्री डी इक्वल टू वन हो जाएगा, यहाँ से डी इक्वल टू वन हो गया और सिक्स प्लस डी का जीरो, तो सिक्स प्लस वन जीरो, तो सिक्स इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, डी इक्वल टू वन हो जाएगा, इसे मैट्रिक्स लिख लीजिए, मैट्रिक्स भी कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स भी आपका ए बी सी डी है, आप ए बी सी डी को रख दीजिए, ए की वैल्यू कितना हो जाए, ए की वैल्यू कितना है फोर, बी वैल्यू टू, सी वैल्यू माइनस वन, डी वैल्यू वन, देखिए क्या दे रहे हैं सर, है आ रहा है, चलो